इस बार किसके धमाकेदार गाने रहे, सब जानना चाहते हैं और हम भी आपको बताना चाहते हैं, इसलिए ये वीडियो बना है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दे रखी है, और अगर आपको हमसे कोई सवाल पूछना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के आईडी से डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। खैर, अब हम बढ़ते हैं आपके उस दिलचस्प वीडियो की तरफ, जहां पर आप जानना चाहते होंगे कि इस बार किसके गाने ज़्यादा बजे, इस बार किसके गानों की ज़्यादा धूम रही। तो हम आपको बता दें कि खेसारी और पवन में ये कंपटीशन होना इसलिए लाजमी है क्योंकि इन्हीं दोनों के गानों पे व्यूज़ की संख्या बहुत अधिक आती है, और आपको बता दें कि इन्हीं दोनों के गानों को ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। सावन की तरह नवरात्र में भी पवन के गानों ने धूम मचाई, लेकिन खेसारी भी पीछे नहीं रहे। खेसारी के अभी एक ही गाने ने माई के सरकार बनी। आपने अगर नहीं देखा है तो हम आपसे अपील करेंगे, देखिए, गाना बहुत अच्छा है और उसमें एक जो सच्चाई बताई गई है वो बहुत ही बेहतरीन सच्चाई है। और आपको बता दें, इस गाने में महज 6 दिनों में ही 6 मिलियन व्यूज़ क्रॉस किया है। वहीं पवन सिंह के एक गाने ने जो काफ़ी धमाल मचा रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, 9 दिन के नवरात्र, अगर आपने नहीं सुना है तो हम फिर अपील करेंगे ये गाना भी सुनिए क्योंकि ये गाना भी बहुत अच्छा है। और कलसा धरेबो, जी हाँ, ये गाना भी पवन का बहुत पसंद किया जा रहा है। हर एक गाने को बहुत अच्छा व्यूज़ मिल रहा है। हम 9 दिन के नवरात्र की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये गाने ने 4 दिन में 4 मिलियन व्यूज़ हासिल किया, यानी इसे 40 लाख लोगों ने देख लिया है। और खेसारी के गानों को माई की सरकार बनी 6 दिन में 6 मिलियन यानी कि 60 लाख लोगों ने इसको, और 4 दिन में पवन के गाने को 4 मिलियन व्यूज़। तो अब इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किसके गाने ज़्यादा बज रहे हैं। पवन के कुल टोटल 8 और वीडियोस भी लगभग सभी के आ चुके हैं। एक गाना, 9वां गाना जो सैड सॉन्ग है, आपको बता दें वो रिलीज़ होने वाला है। जी हाँ, वो भी जल्द ही रिलीज़ हो जाएगा, आजकल में ही रिलीज़ हो जाएगा। कहा जा रहा है कि वो देवी के विदाई का गीत है, यानी कि 9 दिन के हिसाब से पवन ने इस बार 9 गाने लेकर आए, और उसी तरह से उन्होंने इस बार अलग अलग राइटरों के साथ और म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ काम किया। ठीक, खेसारी ने भी यही एक्सपेरिमेंट किया और दोनों इस बार सफल रहे। आपको यकीन नहीं होगा कि इस बार अंक तालिका में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पवन और खेसारी दोनों सिमिलर हैं। जी हाँ, दोनों के सिमिलर व्यूज़ भी काफ़ी गानों में एक सेम है, तो कई गानों के डायरेक्ट वीडियो रिलीज़ किए गए हैं। कई कई गाने एक साथ 3-3 गाने एक ही दिन में रिलीज़ किए गए हैं क्योंकि खेसारी के कुछ गानों की वीडियो शूटिंग लेट हुई इसके वजह से। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सभी गानों को व्यूज़ अच्छे मिले हैं क्योंकि ऑडियो रिलीज़ हो जाते अगर खेसारी के गाने के और फिर वीडियो रिलीज़ हो जाते तो उसकी काउंटिंग होती और शायद खेसारी के व्यूज़ और बढ़ते। लेकिन नो डाउट, आप ये नहीं कह सकते कि खेसारी के गाने नहीं बजे, खेसारी के गाने भी बजे हैं और पवन सिंह के गानों को भी बहुत पसंद किया गया। पहली बार ये काउंटिंग आप कहेंगे तो काफ़ी हमें सिमिलर देखने को मिल रही है, नहीं तो जैसे सावन में ज़्यादातर पवन के गाने बजे थे और हमने भी ये कहा था कि पवन का महादेव का दीवाना ने सबकी वाट लगा दी है, लेकिन इस बार खेसारी और पवन दोनों के सिमिलर सॉन्ग बजे हैं और कुछ कुछ तो इतने हिट सॉन्ग हुए हैं जिनके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। और आपको कैसा लगा, आपको किसके गाने पसंद आए, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।